हेलो एवरीवन, मेलामाइन टेबल वेयर्स जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और बहुत ही चीप होते हैं और एट लास्ट ये बहुत ही कलरफुल और फंकी डिजाइन्स में मिलते हैं। मेलामाइन बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, बेसिकली थर्मोसेट प्लास्टिक। और जैसे कि हम सबको पता है, प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन कंपोस्टेबल होते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। तो एट लास्ट जब हम इन मेलामाइन प्लेट्स को यूज़ कर लेते हैं तो ये एंड अप होती है लैंडफिल पे या तो ये एंड अप होते हैं ओशंस में। और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इन्हें 500 से भी ज़्यादा साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हम इन्हें रीयूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 तरीके शेयर कर रही हूँ जिससे हम इन मेलामाइन प्लेट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ हम ये कर सकते हैं इन प्लेट्स को एज अ आपके जो घर के प्लांट्स हैं उसमें पानी जब ड्रेन होता है उसको कैच करने के लिए इन प्लेट्स को हम प्लांट्स के नीचे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ हम ये कर सकते हैं एज अ बर्ड फीडर। इन प्लेट्स में हम बर्ड्स के लिए दाने रखें, आप छत पे या बालकनी में रख सकते हैं जिससे बर्ड्स आके इन दानों को खा सकते हैं। थर्ड जो रीयूज़ है, हम इन्हें अपसाइकिल कर सकते हैं एज अ वॉल डेकोर। तो इस वीडियो में मैं आपसे आगे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं इन प्लेट्स को एज अ वॉल डेकोर कन्वर्ट कर रही हूँ और किस तरह से आप इन्हें वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी इनके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें प्राइमर चाहिए, देन वी नीड एक्रेलिक कलर्स या पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस, और इसको वॉल पे हैंग करने के लिए हम एमसील यूज़ करेंगे और कुछ यूपिन्स यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको प्राइमर के 2 कोट इन मेलामाइन प्लेट्स पे अप्लाई करना है। इस पे मैंने 2 कोट प्राइमर के अप्लाई कर दिए हैं और ये सूख चुका है। अब आप इस पे अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन बना के उसे पेंट कर सकते हैं। गाइस, मैंने इसे पेंट कर लिया है और अब हम देखते हैं इसमें पीछे हुक कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपको जहाँ भी हुक लगाना है वहाँ आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए और ये जो एमसील है इसके दोनों कंपाउंड्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा सा मिक्सचर आप लेके ये जो ये पिन है इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ आप होल्ड करके और बस इसके ऊपर आप ये एमसील का जो कंपाउंड है, मिक्सचर है, इसको आप इस तरह से लगा दीजिए और अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए ताकि ये इस पर होल्ड हो जाए और बस इसे आप अब सूखने दीजिए। गाइस, अभी अच्छे से सूख चुका है, अब हम देखते हैं तो इसको वॉल पे हैंग करके कैसे दिखते हैं। आप सबसे यही कहना चाहते हैं, रियूज मोर एंड प्लीज रिड्यूस योर बर्डन ऑन दिस प्लैनेट। थैंक यू सो मच।